भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेले गए मुकाबले में कोई भी परिणाम नहीं निकला। पाकिस्तान की टीम ने गेंदबाजी करते हुए भारत को 266 रन पर ऑल आउट किया, लेकिन उसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो फिर बंद ही नहीं हुई, जिसकी वजह से मैच को ड्रॉ करना पड़ा। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो आपको बता दें कि आईसीसी ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहां आईसीसी के प्रेसिडेंट ने। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले का टॉस भारतीय टीम ने जीत कर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत हालांकि धीमी रही, लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन के स्कोर पर ही शाहीन अफरीदी की गेंद पर चकमा खा गए और अंदर आई हुई गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद भारतीय टीम को पहला झटका सिर्फ लग चुका था सिर्फ 15 रन के स्कोर पर ही, और ऐसे में भारतीय टीम के लिहाज से यह बेहद बड़ा झटका था। हर एक भारतीय फैंस था काफी ज्यादा उदास था, लेकिन सभी की उम्मीदें थी विराट कोहली के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की में हमेशा से ही दम करते आए थे। लेकिन विराट ने नसीम शाह की गेंद पर आते ही एक शानदार कवर ड्राइव तो खेला, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर विराट कोहली भी सिर्फ 4 रन के स्कोर पर ही बोल्ड हो गए। सिर्फ 29 रन के स्कोर पर ही दो बड़े विकेट शहनशाह अफरीदी ने आउट कर दिए थे, जिसके बाद हर एक भारतीय फैंस का दिल टूट गया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर को 14 रन के स्कोर पर रऊफ ने अपना शिकार बनाया, और उसके बाद आपको बता दे कि शुभमन गिल सिर्फ 10 रन के स्कोर पर ही रऊफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारतीय टीम ने 66 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे, और यहां से ऐसा लग रहा था कि भारतीय में एक तरफा इस मुकाबले को हार जाएगी। लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बेहद ही शानदार अंदाज में एक साझेदारी बनाई। ईशान किशन तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के की भी बरसात कर रहे थे। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे। पहले ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बखूबी साथ देते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम लगभग 200 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, और दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम था कि उनके सामने हर एक पाकिस्तानी फैंस का सर झुक गया था। भारतीय खेमा पूरी तरह से खुश था। उसके बाद आपको बता दें कि ईशान किशन 81 गेंद में 82 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उन्होंने एक के बाद एक शानदार चौके और छक्के लगाते हुए लगभग 40 ओवर में टीम का स्कोर 220 से भी ज्यादा पहुंचा दिया था, और हार्दिक पांड्या 81 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम इस मुकाबले में 266 रन तक पहुंच गई, और उसके बाद बारिश हो गई, जिसकी वजह से बारिश के चलते खेल शुरू ही नहीं हो सका। काफी लंबे समय तक इंतजार किया गया, लेकिन बारिश ने रोकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन उसके बाद मैच को ड्रॉ तो कर दिया गया। ऐसे में दोनों ही देश के फैंस की तरफ से यह डिमांड हो रही है कि अब इस मुकाबले को दोबारा कराया जाए, क्योंकि सालों में एक मौका ऐसा आता है जब आईसीसी इवेंट के अंदर भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलता है। ऐसे में भी बारिश के साथ अगर इस इनके मुकाबले का रोमांच इस तरह खत्म होगा तो शायद दीजिए अच्छी बात नहीं है। आपको बता दे कि प्रस्ताव रख दिया गया है कि दोनों के बीच मुकाबला फिर एक बार होना चाहिए। आईसीसी इस पर पूरी तरह से विचार कर रही है कि अगर बीच में कोई खाली दिन होता है तो दोनों के मैच को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी यह विचार हो रहा है, कोई आईसीसी के तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि मुकाबले को कराया ही जाएगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि मुकाबले को दोबारा होना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।